भारत चीन के बीच बॉर्डर पर भारी तनाव के बीच विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता चीनी राजदूत से गुपचुप मुलाकात करें तो इसे क्या कहा जाए, समझना मुश्किल है लेकिन समझना पड़ेगा। डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन भारत को धमकी पर धमकी दिए जा रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चीनी राजदूत लियो झाओहुई से मुलाकात करते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि ऐसी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। राहुल गांधी की 8 जुलाई को लियो झाओहुई से मुलाकात की खबर सामने आई तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक साथ कई ट्वीट दागते हुए कहा कि कुछ समाचार चैनल भारत में चीन के राजदूत लियो झाओहुई के साथ राहुल गांधी की कथित मुलाकात की झूठी खबरें दिखा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के संबंध में ये खबरें विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने गढ़ी हैं। लेकिन अब चीन के दूतावास ने खुद ही इस मुलाकात की पुष्टि कर दी है। चीनी दूतावास की वेबसाइट पर राहुल गांधी और लियो झाओहुई की मुलाकात की खबर दी गई है और कहा गया है कि दोनों ने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बात की। हालांकि बाद में मुलाकात से संबंधित इस जानकारी को हटा भी दिया गया। अब सवाल उठता है कि चीनी दूतावास से ऐसा गलती में हुआ या फिर जानबूझकर राहुल गांधी और लियो झाओहुई की मुलाकात को छिपाया जा रहा है। अगर ऐसा जानबूझकर छिपाया जा रहा है तो इस मुलाकात में ऐसा क्या था जिसे सामने नहीं लाया जा रहा या कांग्रेस नहीं चाहती कि वो सामने आए? क्या इस मुलाकात का सीमा पर ताजा विवाद से कोई संबंध है? सवाल तमाम है लेकिन जवाब मिलना मुश्किल है। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि राष्ट्रहित को लेकर कांग्रेस की कलाई एक बार फिर से खुल गई है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।